नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा VIMNP FRC 219 रुपए के कमीशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमें Facebook पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। और यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप Facebook पेज पर भी हमसे मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से भी पूरी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यहां पर जो है VI में, एयरटेल में और जियो में दोस्तों 399 रुपए की जो MNP FRC फेमस है। बट गाइस ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और MNP FRC नहीं है जिस पर आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा इन सभी कंपनियों की तरफ से। तो दोस्तों आज बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आते हैं किसी भी कंपनी के और वो बोलते हैं कि सर हमारे पास जो है 399 रुपए नहीं है, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे कम है। तो गाइस ऐसे में क्या है कि ज्यादातर रिटेलर को 399 के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों आप ऐसे में जैसे पोर्ट करते समय आप जो है 219 रुपए की FRC सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें पहले जो है कहते ऐसे ही हो जाएगा, कहते जैसे कि 197 रुपए की एक्टिवेशन FRC बस आपको थोड़ा सा कमीशन है, तो नहीं दोस्तों। यदि आप दो मैं आपको पूरा बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई बंदा आता है और आप जो उसकी MNP करते हैं VI में और दोस्तों पोर्ट करते समय आप जो है FRC को स्किप कर दें, बहुत अच्छी बात है, आप साथ के साथ FRC ना करें। आप FRC कब करेंगे? FRC करेंगे बाद में। तो दोस्तों आप जब वो सिम चालू हो जाएगा, पूरा फाइनल हो जाएगा, तो आप जो है वहां पर 219 रुपए की FRC जो है करेंगे उस नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ टर्म और कंडीशन के बारे में तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से FSC से और RM से कांटेक्ट कर लेना होगा कि यहाँ पर जो है VI कंपनी की तरफ से आपको एक MNP का 208 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आप किसी टारगेट में शामिल होते हैं तो दोस्तों जो रिटेलर भाई मेरे टारगेट में शामिल हो, जैसे कि कंडीशन रख दी कि भाई आपको 3 MNP तो महीने में करनी है तब इतना मिलेगा, यदि 3 से ज्यादा करते हैं तो आपको इतना कमीशन और एक्स्ट्रा बढ़ा के आपको पर MNP के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इन सभी जानकारी के लिए यहाँ पर जो फिलहाल 219 रुपए का जो बोला गया है RM की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से और कंपनी की तरफ से, तो दोस्तों 219 रुपए की MNP FRC कंप्लीट करने पर दोस्तों रिटेलर को 208 रुपए का कमीशन उनके लाभों में लोड बैलेंस के तौर पर मिलेगा। और दोस्तों यदि कोई टारगेट चल रहा हो और एक्स्ट्रा 10 या 20 30 रुपए पर MNP से हिसाब से, तो इसके लिए दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, FSC से, RM से। तो दोस्तों फिलहाल जो है जैसे कि आपको पता है कि 399 की MNP चल रही है और यहाँ पर जो रिटेलर को और 380 से कम ही दिया जा रहा है, दोस्तों 400 नहीं दिया जा रहा है, 379 हुआ या 379 या 385 या 386 के समथिंग यहाँ पर कमीशन क्यों हुई। यहाँ पर जो दोस्तों कमीशन तो पूरा ही था बट यहाँ पर जो TDS काट लिया जाता है कंपनी द्वारा, जो बोलते हैं कि टैक्स लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अर्निंग में टैक्स लगता है और किसी चीज पे टैक्स नहीं लगता। ऐसी दोस्तों यदि आप 219 रुपए के रिचार्ज करेंगे MNP FRC करेंगे तो 208 रुपए का कमीशन देखने को मिलेगा, जो बाकी का जो एक्स्ट्रा आपका जाता है वो मान लीजिए TDS में चला जाता है। तो दोस्तों आप जो है कर सकते हैं बहुत आसान से, 219 रुपए का MNP FRC है, एक महीने के लिए कस्टमर को सब कुछ दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करें, चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।